नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है. बताया गया इन द गिवन सर्किट डायग्राम अ वायर इज ज्वाइनिंग पॉइंट्स बी एंड डी. देखेंगे पॉइंट बी और डी को ज्वाइन करा है, एक वायर है यहाँ पर. द करेंट इन दिस वायर इज, इस वायर से करेंट का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक, देखेंगे चार रजिस्टर है, एक बैटरी है, तो हमें पहले इस बैटरी से करंट निकालना होगा. जब ये करंट निकलेगा तभी जो है इंडिविजुअल रजिस्टर में हम लोग करंट की वैल्यू पता कर सकते हैं, फिर ये वायर में पता कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, है ना. ये कैसे निकलेगा, ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं. चूंकि ये कंडक्टिंग वायर है तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर पैरेलल में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे. दो रजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट हम लोग इस तरह से निकालेंगे, है ना. तो ये आएगा 4 × 1/4+1 यानी कि 4/5 ओम. इसका निकालेंगे 2 × 3/2+3 यानी कि 6/5 ओम. और 20 वोल्ट का बैटरी है. अब ये दोनों जो है ये सीरीज में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे दोनों को ऐड करके. तो ये आएगा 4/5+6/5 10/5 यानी कि 2 ओम. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हो गया 2 ओम. तो बैटरी से करंट निकालना हो तो 20 वोल्ट का बैटरी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो 10 एम्पियर का करंट जाएगा. यहाँ से 10 एम्पियर का करंट जाएगा, वो यहाँ तक 10 एम्पियर ही रहेगा, यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ठीक, तो जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, है ना, इस तरह से यहाँ से I करंट जा रहा हो, ये R1 है, ये R2 है. ठीक, तो यहाँ से जो करंट जाएगा I1 और यहाँ से जो करंट जाएगा I2, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है. वैसे भी आप पैरेलल मान करके निकाल सकते हैं, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ. ये आता है IR2/R1+R2. यहाँ से जो करंट जाएगा I2 वो आएगा IR1/R1+R2. अगर इनका रेशियो निकालेंगे अब I1/I2, तो ये आ जाएगा R2/R1. रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में जो है ये होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में बराबर करना है. तो I1R1=I2R2, है ना. तो जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होना चाहिए. जैसे देखेंगे इसका 4 गुना रजिस्टर यहाँ पर है, तो इसमें जो करंट जाएगा उसका 4 गुना करंट यहाँ जाना चाहिए. टोटल 10 एम्पियर है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से 8 एम्पियर जाएगा और यहाँ से 2 एम्पियर जाएगा. रेजिस्टेंस यहाँ पर 4 गुना है तो करंट वहाँ पर 4 गुना जाएगा. रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में करंट जाता है. ठीक, उसी तरह से यही 10 एम्पियर करंट इन दोनों से भी होकर निकलेगा. तो यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस का जो रेशियो है ऐसा है, तो करंट का रेशियो कैसा होगा, है ना. ऐसे कह सकते हैं यहाँ से 6 एम्पियर जाना चाहिए और यहाँ से 4 एम्पियर जाना चाहिए. टोटल 10 एम्पियर ही है. तो करंट इस तरह से जाएगा कि रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में जाएगा. ठीक है, तो ऐसे देखेंगे कि इसका जो है इसका 3/5, है ना, उस फॉर्मूले से निकालेंगे 3/5 इधर जाना चाहिए और 2/5 इधर से जाना चाहिए. इनवर्स रेशियो में आ गया है, मतलब देखेंगे कि यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा था तो करंट यहां ज्यादा आया है, यहां रेजिस्टेंस कम था करंट यहां कम आया है. तो ये करंट निकल गया. अब देख सकते हैं कि यहां पर किरचॉफ का जंक्शन अप्लाई कर सकते हैं. ये जंक्शन है, यहां से 8 एम्पियर करंट गया, यहां से 6 एम्पियर करंट गया, इसका मतलब 2 एम्पियर इधर चले गया होगा, है ना. तो जो बीडी वायर है उसमें 2 एम्पियर का करंट जाएगा. तो देखेंगे कि जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें 2 एम्पियर करंट दिया गया है.